आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, वेलकम बैक टू द चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही रहे कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने कुछ ही दिन पहले खुद एक म्यूजिक वीडियो को डायरेक्ट किया। जो सॉन्ग था उसका नाम विजिलांते था, एंड इट इज डन बाय अ आर्टिस्ट नेम क्लिंटन फर्नांडिस। क्लिंटन फर्नांडिस इज अ म्यूजिशियन फ्रॉम पुणे, उनका म्यूजिक काफ़ी अच्छा है। सो जिसके पहले आप ये वीडियो में आगे जाए, आई वुड रिकमेंड कि पहले आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, जो पहली लिंक दी हुई है, गो विजिट दैट लिंक, ताकि आप ये म्यूजिक वीडियो खुद देख सके जो मैंने डायरेक्ट किया है और मैंने पूरा बनाया है। सो गो, पहले वो देखो, फिर वापस आओ। टिल दैट टाइम आई विल जस्ट फिनिश माय चाय। तो यू गाइज आर फाइनली बैक। गाइज, मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको म्यूजिक वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आई पर्सनली लव इट और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो मेक श्योर आप भी मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है अबाउट द म्यूजिक वीडियो और अबाउट माई वर्क, बिकॉज मैन इट वॉज अ क्रेजी, मतलब लास्ट चार दिन सिर्फ काम, शूट, एडिट, इट्स बिन एब्सोल्यूटली हेक्टिक, बट आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट। एनीवे दोस्तों, शुरू करते हैं बाय मी टेलिंग यू गाइस कि ऑल्दो मेरे पास एक अच्छा बजट था ये म्यूज़िक वीडियो के लिए, आई डिड नॉट हैव टू मच मनी। मतलब ऐसा नहीं था कि एक रिकॉर्ड लेबल ने मुझे स्पॉन्सर किया था या किसी कंपनी मुझे किया था। क्लिंटन फर्नांडिस जो आर्टिस्ट थे वो अपने पॉकेट से म्यूज़िक वीडियो के लिए पे कर रहे थे। सो हम लोग काफ़ी टाइट थे बजट के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट स्टेप, जो हमेशा एक म्यूज़िक वीडियो के वक्त मैं करता हूँ, किसी भी बड़े शूट के पहले मैं करता हूँ, और वो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और प्लानिंग। तो ये प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है थ्रू आउट द प्रोसेस, क्योंकि यही स्टेप अगर आपने ठीक से आप करते हैं, ठीक से बेस बना लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा शूट काफ़ी स्मूथली जा सकता है। जब कॉन्सेप्ट की बात होती है, आई एक्चुअली वेंट अहेड और मैंने सीन बाय सीन एक स्टोरी बोर्ड बनाया। स्टोरी बोर्ड इज बेसिकली एक एक सीन को ड्रॉ करना। ऑब्वियसली आपको कुछ पिकासो लेवल की ड्राइंग नहीं करनी है, बट बेसिक आइडिया मिल जाए और उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि उसमें जो कैरेक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं। सो मैंने सीन बाय सीन एक्चुअली ये पूरे पेपर्स बनाए एंड आई ड्रू देम आउट एवरी सिंगल सीन की मुझे उसमें क्या चाहिए, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। फिर आती है बारी ऑफ डिसाइडिंग गेयर और प्रॉप्स, मतलब आपको शूट के लिए कौन से प्रॉप्स लगेंगे, मेड बी स्मोक बॉम्ब्स, मेड बी फॉग मशीन्स, मेड बी विच कैमरा, कौन सा ट्राइपॉड, गेयर और प्रॉप्स, सभी चीज़ों की एक लिस्ट बनती है, वो क्रॉस चेक होता है। नाउ लेट्स कम डाउन, प्लानिंग हो गया, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो गया, नाउ लेट्स कम डाउन टू शूटिंग विच इज़ द फन पार्ट। तो मैंने उस दिन से छोटे छोटे व्लॉग्स लिए हुए हैं, सो आप पहले व्लॉग एंजॉय कीजिए एंड देन आई कीप टेलिंग यू गाइस द बैक स्टोरी। अभी कुछ सुबह के 6:30 हुए हैं और पुणे में अप्रोक्सीमेटली 7:00 सनराइज होता है, तो हम लोग सनराइज कैप्चर करने की कोशिश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारा गेयर है यहाँ पे, लाइक आई हैव द ज्यून क्रेन गिम्बल है, ये हमारे पास लाइट्स है, और मेरे कार में मेरे पास और लाइट्स है जो मैंने ऊपर नहीं लाए क्योंकि इट वॉज टू हैवी टू कैरी। बट टुडे शूट इज गोना बी एक्सट्रीमली फन, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, अब जो पहला लोकेशन है जहाँ पे हम जा रहे हैं, दैट इज़ द हिल राइट बिहाइंड माय हाउस, जो यहाँ से कुछ 5-10 मिनट की दूरी पे है, और मैंने इसके लिए स्पेशली एक ड्रोन और एक ड्रोन ऑपरेटर को रेंट किया है। लाइक वो बंदा आएगा और वो हमारे लिए ड्रोन से शूट करने वाला है। सो वी आर गोना गेट सम क्रेजी सनराइज शॉट, आप देख सकते हैं बाहर कैसे पिंकिश ऑलरेडी होने लगा है। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज, बहुत मजा आने वाला है। जब मैं नीचे जाके क्लिंटन से मिला, जो पूरी टीम थी उनको मिला, जो ड्रोन वाला बंदा था जो ड्रोन ऑपरेट करता है, वो थोड़ा सा लेट हो गया। अब ये शूट होने वाला था एक सनराइज शूट, वो भी एक संडे मॉर्निंग को, जिस दिन हम शूट कर रहे थे उस दिन संडे था, और वो जो हिल है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉक करने को आते हैं। सो मेरे सर में वो एक ही डर था कि बहुत लेट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए आ जाएंगे ऑन संडे, और उस सिचुएशन में ड्रोन फ्लाई करना विल बी एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। सो शेड्यूल था कि हमको 6:30 को ट्रैकिंग शुरू करना है ऑन द हिल, और वो जो बंदा ड्रोन वाला था वो आया अप्रॉक्सीमेटली 7:30 को, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मेरी फट चुकी थी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑफ शेड्यूल थे। वी गॉट अप एंड ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बट वी स्टिल समहाउ फाउंड अ लोकेशन। हम लोगों ने लोगों को बोला थोड़ा पीछे रहे और तब हम लोगों ने ये ड्रोन शॉट्स लिए। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा, आप जितना चाहे उतना प्लान कर सकते हैं, पर ऐसे प्रॉब्लम्स हमेशा आपको शूट के ऊपर आएंगे। कीपिंग योर हेड कूल और फिर उनके साथ डील करना और उनका एक सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट स्ट्रेस अ लॉट अबाउट इट, सोल्यूशन निकालिए, ऐसे प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हमेशा आते हैं। यहाँ पे जायद भाई है, ये इनका ड्रोन है। सो इनके पास ये फैंटम 4 है एंड हम लोग इस पर शूट करने वाले हैं पहला सीन।
वहाँ पे हमारे जो आर्टिस्ट है वो है, एंड ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, काफी अटेंशन ग्रैब होने वाला है। टी चलो आराम से आराम से आराम। बच गया एक मिनट के लिए बच गया। गाइस हम लोग फाइनली घर आ चुके हैं। हम लोगों ने जो ड्रोन वाला शूट था वो ख़त्म कर लिया, बट इशू हैपेंड इज मैं अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया, तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। जो भी था मैंने उन्होंने जो वहाँ पे टीम थे उनके फ़ोन पे मैंने शूट किया और यही फुटेज था मेरे पास। इसलिए अब ये सब बाजू में, अब हमको अगले लोकेशन पे जाना है, आधे घंटे के टाइम है हमारे पास, तो हम लोग फटाफट से सब कुछ पैकअप करेंगे एंड वील गो टू द नेक्स्ट लोकेशन। निकल रहे हैं क्विक चेंज आउटफिट का, क्योंकि सुबह जो मैंने कपड़े पहने थे वो ठंडी के लिए थे और अब गर्मी होने वाली है, और हम लोग कुछ फायर ही करने वाले हैं सूट के लिए। आप देखे हुए एग्जैक्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जो आर्टिस्ट है वो लोग ब्रेकफास्ट करने को गए थे, मैं उनके लिए रुका, वो 5 मिनट में बाहर आ रहे हैं। एंड दोस्तों मैं लिटरली 2 घंटे की नींद पे हूँ। पता नहीं, मुझे जब भी ऐसा कोई बड़ा शूट रहता है जहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल्स है, मुझे बड़ा सा बजट है, सेट्स है, बहुत सारा काम करना रहता है एक दिन के अंदर, मुझे एक दिन पहले पता नींद ही नहीं आती है। आई एम सो कॉन्शियस एंड यू नो फुल नाइट आई वॉज प्रिटी नर्वस एंड एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड भी था क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला था आज के शूट के लिए। बट 2 घंटे की नींद और मुझे लगता है आई एम एब्सोल्युटली फ्रेश राइट नाउ। इट्स क्रेजी, मुझे कुछ थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। बट या इट्स क्रेजी। तो ये बड़े बड़े सेट्स थे जो मैंने क्रिएट करवाए थे, जो फायर के लिए थे, और वो जो वॉल और होल्स की जो मैं बात कर रहा था उसके लिए। ना ऑब्वियसली ये मैं खुद कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक इवेंट बंदे को हायर किया था टू मेक दीज सेट्स फॉर मी। तो वी ट्रैवल्ड ओवर देयर, तब तक हमारे सेट्स तैयार हो चुके थे एंड वी वेंट अहेड एंड वी स्टार्टेड शूटिंग ओवर देयर। सो गाइस ये हमारा सेकंड लोकेशन, यहाँ पे हम लोग 2 शूट्स करने वाले हैं, वंस फॉर दिस लाइट टनल एंड दूसरा जो है वो फायर वाला होने वाला है, जो ये वाला है। सब्जेक्ट बीच में खड़ा रहेगा एंड ये आजू बाजू पूरा फायर लगने वाला है। इट्स क्वाइट रिस्की बट इट्स गोना बी रियली रियली नाइस लुक वाइज। व्हाट्स अप, हाउ इज इट गोइंग? इसको ना फॉलो करो, ये ना सही बनना है भाई, सही बनना है। फाइनली हम लोग जो फायर वाला शूट है वो भी शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फायर के लिए रिंग बना के रखी है एंड क्लिंटन जो हमारे आर्टिस्ट है, इज ओनली स्टैंडिंग इन बिटवीन एंड सिंगिंग। आई एम नॉट अ स्टंट मैन, आई एम एन आर्टिस्ट। थोड़ा रिस्की है बट वी हैव ऑल द प्रिकॉशन, वी हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर, वी हैव सैंड, वी हैव वाटर, वी हैव एवरीथिंग। दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, जस्ट हीट। वी हैव फायर इंजन ऑन द गो। सो यस, लेट्स सी हाउ इट गोस। हमारा फाइनली फायर वाला जो शूट था वो हो गया एंड इट वाज क्वाइट रिस्की, सो गॉट काइंड ऑफ स्कैर्ड। बट एनीवे अभी अगले शूट के लिए वी हैव दिस बोर्ड ओवर हियर एंड वी हैव ड्रिल्ड होल्स इन इट एंड देयर गोना बी स्पॉटलाइट्स फ्रॉम द बैक, और हम लोग यहाँ से फॉग मशीन चालू करने वाले, सो ऑल द रेज ऑफ द लाइट आर गोना कम थ्रू द होल्स एंड इट्स गोना लुक क्रेजी। सो या लेट्स स्टार्ट विद दैट। This neighborhood got me feeling like a vigilante, proof to what's out there looking for a vaccine. And all I've been doing is running on my major messages. नहीं, उसके बाद हम लोग जो बोर्ड और वो होल्स वाला था हम लोग उसके साथ शूट कर रहे थे। वी शॉट देयर काफ़ी टाइम के लिए, समवेयर अबाउट 3 o'clock हम लोग वो लोकेशन से निकले। हम लोग सुबह आई थिंक 12 बजे उधर पहुंचे थे, 3 घंटा उधर शूट किए और हम लोग वहाँ से निकले वापस 3 बजे फॉर द रेस्टोरेंट किचन।
नाउ गाइज एट दिस पॉइंट हम लोग काफ़ी हद तक थक चुके थे ऑलरेडी, हमारी सबकी बैटरी काफ़ी लो थी क्योंकि ये सब काम मैं अकेले कर रहा था। आई हैड नो हेल्पर्स क्योंकि उसके लिए बजट नहीं था, देर वॉज नो अटेंडेंस, देर वॉज नो बडी टू हेल्प मी। जो भी मैं कर रहा था मैं अकेले कर रहा था, विद द रनिंग अराउंड, लाइट सेटअप करो, शूट करो, पैकअप करो, और पैक ये बड़े बड़े लाइट्स को पैकअप करना, अनपैक करने में ही यार आदमी की जान निकल जाए, इट इज़ एब्सोल्यूटली हेक्टिक। बट एनी वे हम लोगों ने वो किया, हम लोग वहाँ पे पहुँचे रेस्टोरेंट पे, हम लोगों ने फिर रेस्टोरेंट पे शूट किया जो एक बहुत छोटा सा शूट था लकीली, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छे शॉट्स मिल गए। सो गाइस फाइनली हम लोग हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं जो एक रेस्टोरेंट का किचन है। सो दिस इज द किचन जहाँ पे हम लोग शूट कर रहे हैं। एंड यार सम द एक्टर्स अपना हैव फन, कुछ मजा करेंगे, चिल करेंगे और कुछ इसी टाइप का यहाँ पे शूट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। आफ्टर दैट वी वर डन विद द रेस्टोरेंट, हम लोगों ने काफ़ी छोटा सा एक शूट था, उसके बाद हम लोग घर पे गए, हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स किया, चाय वाय पी, थोड़ा सा खाना खाया, एंड देन एट अप्रॉक्सीमेटली 6:37 हम लोग निकले स्टूडियो के लिए जो एक काफ़ी अंदर अंदर था, एंड हम लोग ने उसके बाद स्टूडियो पे शूट किया जो हमारा फाइनल लोकेशन था। स्टूडियो पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग 2 घंटे के लिए शूट करने वाले हैं, एंड दिस इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ टुडे शूट। द सॉन्ग हैज दिस वेरी फनी पार्ट्स वेयर यू नो दे टॉक अबाउट द गवर्नमेंट एंड स्टफ, सो वी हैव देम ड्रेस्ड अप एज समवॉट लुकिंग लाइक पॉलिटिशियंस। सो या हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के शूट करेंगे और उसके बाद हम लोग बाद में मिलते हैं। I needed a break from working, looking with the rats, whipping me more than I can use. But I'm stuck at home and all I do is blame the voodoo. Okay. Let me say this again. Come on, back here. Guys, the song is out. No. And we are so excited. Come on again. We are. Perfect. It's a wrap, guys. Woo! Good up. Good up. Okay. रात के 11:30 बज चुके हैं, शूट इज फाइनली ओवर एंड आई एम सुपर ड्रेन्ड आउट। मैंने अपना जस्ट हेल्थ ऐप चेक किया और मैंने आज लिटरली 25,000 प्लस स्टेप्स कर लिया है, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी क्योंकि मैं यूजुअली इतना नहीं चलता हूँ, बट आई एम सुपर डेड नाउ। बट या ये था एक पूरा म्यूजिक वीडियो शूट, एक दिन में कैसे शूट होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। It was absolutely crazy. I hope you guys enjoyed. So it's very important कि आप अपनी energy maintain करें, you give it your best, और doesn't matter कि आप जितने भी थक चुके हैं, it is very important कि आप shoot करते रहे। After that I had to go also return all the equipment जो भी मैंने rent किया था, and overall it was a very hectic shoot but it was completely worth it. I am personally very happy with the product जो मैंने खुद अकेले manage किया है to pull out. And obviously the entire team was also really helpful, but this was a music video that I made in a day in a very low budget, and I would call it professional, you could say so. But yeah, इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिले, एंड अगर आपने भी पहले कोई छोटे मोटे म्यूज़िक वीडियोज़ किए हुए हैं मेरी तरह, मुझे कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपीरियंसेस बताना, आई वुड लव टू नो। बट या लाइक शेयर सब्सक्राइब और म्यूजिक वीडियो जरूर देखना, और क्लिंटन को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो।